हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ एकदम मस्त बढ़िया होंगे। दोस्तों, आप अपने जो चैनल है उस पर शॉर्ट वीडियो अपलोड कर थक गए, पर आपकी कोई भी शॉर्ट वीडियो अभी तक वायरल नहीं हुई है। दोस्तों, जो आज मैं आपको इस वीडियो में जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल जेन्युइन तरीका है, और आपको वो तरीका जब ही समझ में आएगा जब हमारी आप वीडियो पूरी एंड तक जरूर देखोगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। करने से पहले जैसे कि आप अपने मैं बताना चाहता हूँ जैसे कि आप अपनी जो शॉर्ट वीडियो है उसको अपलोड करते हो। दोस्तों, आप मैंने आपको बहुत बार मैक्सिमम ऐसे यूट्यूबरों को देखा है जो कि बहुत ही मतलब कि शॉर्ट वीडियो अपलोड करने में बहुत सारी गलती करते हैं। पहले हम उन गलतियों को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में आपको मैं बारीकी से बताऊँगा कि आप अपनी शॉर्ट वीडियो को 24 घंटे के अंदर कैसे वायरल करा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी शॉर्ट वीडियो को वायरल होने में 1 महीना भी लग सकता है, या फिर 72 घंटे भी लग सकते हैं, या फिर दो दिन में भी वायरल हो जाए, 24 घंटे में वायरल हो जाए, 12 घंटे में। दोस्तों, इसका कोई भी बता सकता है कि हमारी वीडियो जो शॉर्ट वीडियो या फिर लॉन्ग वीडियो हमारी कैसे वायरल होती है। यूट्यूब के एल्गोरिथम की किसी को कुछ भी नहीं पता है कि कैसे कौन सी वीडियो को कब वायरल कर दे। तो चलिए मैं आपको जो पूरा प्रोसेस है वो समझाता हूँ। तो चलिए मैं आपको अपने फ़ोन की दोस्तों हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो मैं आपको पहला तरीका बताऊँगा। दोस्तों, पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि किस तरीके से आप अपने यूट्यूब पर जो है शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर सकते हैं जिससे कि हमारी वीडियो पर व्यूज़ आएँ। तो सिंपली हमको क्या करना है, यूट्यूब को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे कि आप जैसे ही करते हो अपलोड, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। इधर क्रिएटर्स जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद देखिए दोस्तों, हमारी वीडियो प्रोसेसिंग ले रही है, तो इसको प्रोसेसिंग लेने दो। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जो तरीका बताऊंगा वो बिल्कुल जेन्युइन है, और दोस्तों इस तरीके को मैंने भी यूज़ किया है। मैं अभी आपको वीडियो के एंड देना है, मतलब आगे वीडियो हमारी चली जाएगी, फिर उसके बाद में हम नेक्स्ट कर देंगे। अब नेक्स्ट दोस्तों, जैसे कि आपने कोई भी आपको जैसे कि आपको टाइटल, दोस्तों मैं आपको टाइटल की बात बता दूं, कभी भी आपको अपने आप से किसी भी वीडियो में टाइटल नहीं डालना है। आपको सिंपली क्या करना है, टाइटल डालने के लिए आपको सिंपली क्या करना होगा, आपको अपना जो गूगल है गूगल आपको ओपन कर लेना है। दोस्तों, जिस किसी भी आपकी मतलब कि आपने जिस किसी पर भी वीडियो बनाई है उस टाइटल को सिंपली इधर आप सर्च कर लीजिए। जैसे कि मैं इधर जो अब वीडियो बना रहा हूँ वो शॉर्ट्स के ऊपर बना रहा हूँ, तो इधर मैं डाल देता हूँ हाउ टू जैसे दोस्तों मैंने इधर डाल दिया हाउ टू वायरल शॉर्ट वीडियो, तो सिंपली हम इसको सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पीपल ऑल्सो आस्क। तो दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो कि ऑडियंस सर्च करती है और जो पूछती है। दोस्तों, इसमें से आपको क्या करना है, इसमें से आपको एक टाइटल बनाना है और इसको कॉपी करके अपने टाइटल में पेस्ट कर देना है। जैसे कि मैं इधर से इसको कॉपी कर लेता हूँ, जैसे मैंने ये इधर से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद आपको अपने जो भी टाइटल है उसमें पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद आपको डैश लगाकर इधर हैशटैग शॉर्ट, दोस्तों जब आप अपनी शॉर्ट वीडियो अपलोड करें तो आपको हैशटैग का ध्यान रखना है और हैशटैग शॉर्ट करके आपको अपनी वीडियो अपलोड करनी है। जैसे कि मैं इधर दोस्तों आपको जो स्मॉल लेटर है उसी में ही अपनी वीडियो को अपलोड करना है। जैसे कि मैं इधर लिख देता हूँ SHORT स्मॉल लेटर में। दोस्तों आपको शॉर्ट लिखना है, या फिर और आप हैशटैग एक्स्ट्रा हैशटैग लगा सकते हो। हैशटैग लगाने दोस्तों हैशटैग आपको पूरा लगाने के बाद इधर आपको क्या करना है, इसको सिंपली जो भी आपने ये लगाया इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम इस वीडियो को अपलोड कर देंगे। दोस्तों आपको अनलिस्टेड का ध्यान रखना है, पहले आपको अपनी वीडियो को अनलिस्टेड रखना है। दोस्तों ये 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है प्राइवेट, अनलिस्टेड, पब्लिश। दोस्तों प्राइवेट रखो तो वीडियो आपके पास ही रहेगी, अनलिस्टेड में जिस पर आप लिंक शेयर करेंगे सिर्फ उसी के पास रहेगी, और पब्लिश में आपको तो पता ही है सबके पास पहुँच जाती है। तो अभी हम फिलहाल अनलिस्टेड रखेंगे और इसको अपलोड कर देंगे। तो वीडियो हमारी अपलोड हो रही है, अपलोड होने के बाद हम आपको आगे का प्रोसेस समझाएंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारी शॉर्ट वीडियो अपलोड हो चुकी है, तो आपको करना है 3 डॉट पर क्लिक कर देना है, इधर एडिट आपको कर देनी है। एडिट करने के बाद देखिए दोस्तों, इधर आपको ऐड डिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन मिलेगा, जो हमने कॉपी किया था वो इधर आपको पेस्ट कर देना है। दोस्तों ये आपको डिस्क्रिप्शन और टैग में दोनों में आपको पेस्ट कर देना है। मैं इधर टैग में पेस्ट कर दूंगा, इधर मैंने पेस्ट कर दिया। दोस्तों आपको तीनों जगह यह टाइटल जो भी आपने लिखा है उसको पेस्ट कर देना है। और दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में जैसे कि मैंने आपको बताया था गूगल पर जो आस्क जो पीपल ऑल्सो आस्क करके जो क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको कॉपी कर करके अपने डिस्क्रिप्शन में आपको ऐड कर देनी है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है जो कि ऑडियंस इसके शॉर्ट वीडियो के बारे में जानना चाहती है। दोस्तों ये वो क्वेश्चन है, जब भी कोई भी आपकी मतलब कि जो भी कौन सा जो भी क्वेश्चन सर्च करेगी तो आपकी वीडियो उस पर रैंकिंग करेगी और आपकी वीडियो पहले नंबर पर आएगी। दोस्तों आप इस तरीके से अपनी वीडियो को अपलोड करना, 100 में तो
100% आपकी वीडियो पर व्यूज़ ज़रूर आएंगे। पर दोस्तों मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ जो कि मैक्सिमम यूट्यूबर गलतियाँ करते हैं। दोस्तों गलतियाँ क्या करते हैं वो, कि अपनी वीडियो को डायरेक्ट मतलब कि आपने वीडियो अपलोड मतलब कि आपने डायरेक्ट ही वीडियो अपलोड कर दी। दोस्तों ऐसा कभी भी हमको नहीं करना चाहिए, हमको अपनी जो शॉर्ट वीडियो उसमें प्रॉपर तरीके से डिस्क्रिप्शन टैग वगैरह जो भी है अपने सेट करने चाहिए। ये मैक्सिमम यूट्यूबर ये गलतियाँ करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी।